140 के पार। तो बच्चों हम लोग टेस्ट 7 सेक्शन बी डिस्कस कर रहे हैं और जो हमारा शीर्षक है भारत में प्राग ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक एज इन इंडिया। और इसमें हम लोग जो पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे वो था कि नर्मदा मैन क्या है, व्हाट इज नर्मदा मैन। तो आज उसी के डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग आगे भी क्वेश्चन में देखेंगे कि प्री हिस्टोरिक टूल्स यानी प्राग इतिहास यानी पाषाण काल में जो औजार इस्तेमाल होते थे वो बहुत ज़्यादा हम लोग को प्रचुर मात्रा में मिला है। मीन्स वी हैव कम अक्रॉस लॉट्स ऑफ प्री हिस्टोरिक स्टोन एज इक्विपमेंट्स। बट द प्रॉब्लम, द बिगेस्ट प्रॉब्लम वॉज, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमारे पास कोई ह्यूमन स्केलेटन नहीं मिला। अफ्रीका में जो कि होमिनिन फॉसिल्स है ना, मानव जाति का जीवाश्म अफ्रीका में काफ़ी मिला है, लेकिन भारत में हम लोग इस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे कि यहाँ पे जो मानव जाति है कब भारत उपमहाद्वीप में या भारत में स्पेसिफिकली कब इनका प्रवेश हुआ, कब आगमन हुआ, व्हेन एबोरिजिन्स और एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स केम टू इंडिया। लेकिन 5 दिसंबर 1982 को एक स्कल मिला, क्रेनियम जिसको बोलते हैं, एक खोपड़ी मिला 5 सितंबर 1982 को, एक आपका एक स्कल मिला। और ये स्कल जो मिला था, ये खोपड़ी जो मिला था, ये आपको मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जगह है, वहाँ से 40 किलोमीटर दूर जो है नर्मदा नदी की घाटी है, नर्मदा रिवर वैली है, और यहीं पे एक्सप्लोरेशन का सर्वेक्षण का काम चल रहा था। और यहीं पे एक डॉक्टर थे, एक जियोलॉजिस्ट थे, माफ कीजिएगा, एक जियोलॉजिस्ट थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तरफ से, एक भूवैज्ञानिक थे जिनका नाम था, याद रखिएगा, डॉक्टर अरुण सोनाकिया, इनका नाम था डॉक्टर अरुण सोनाकिया। और इन्हीं को जो है ये होशंगाबाद में एक जगह के पास एक गांव है जिसका नाम है हथनौरा। तो हथनौरा गांव पे जब ये सर्वेक्षण का काम चल रहा था, यही आपका हथनौरा है, तो इसी हथनौरा गांव में जब सर्वे का काम चल रहा था, एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा था, तो एक खोपड़ी मिला। चूंकि ये साइंटिस्ट हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तरफ से, भूवैज्ञानिक थे हैं, तो इसलिए ये समझ गए कि ये खोपड़ी में कोई खास बात है, ये नॉर्मल स्कल नहीं है, नॉर्मल क्रेनियम नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ कि एक टेक्निक लगाया गया, एक आर्कियोलॉजिस्ट ये टेक्निक लगाते हैं, पुरातत्व स्रोत जो है हमारा एक टेक्निक से पता करता है कि इस हड्डी का, इस क्रेनियम का, इस खोपड़ी का आयु कितना था। तो उस टेक्निक का नाम है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस डेटिंग टेक्निक। याद रखिएगा बच्चों, इस टेक्निक का नाम है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस डेटिंग टेक्निक। और इस टेक्निक से इस खोपड़ी का जो आयु निकाला गया वो करीब आपके 300,000 वर्ष से लेके 150,000 वर्ष पूर्व तक था। मींस बिटवीन 3.5 लाख ईयर्स अगो टू 1.5 लाख ईयर्स अगो। तो दिस वॉज अ बिग डिस्कवरी, एक बहुत बड़ा ये खोज था, क्योंकि सिर्फ भारत में नहीं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहला और सबसे पुराना मानव खोपड़ी, मानव जीवाश्म, ह्यूमन क्रेनियम, ह्यूमन जो है फॉसिल रिमेन्स आपको मिला, और जिससे कि हम लोग ट्रेस कर सके कि भारत में जो आदि मानव थे, एब ऑरिजिन्स थे, कब इनका अफ्रीका से ये लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और इंडिया में ये एंटर किए। और जब खोपड़ी का सब कुछ देखा गया साथ में, तो हम लोग जैसे पिछले वीडियो में बात किए थे कि क्लीवर और हैंड एक्सेस मैंने इस तरह का पत्थर के औजार बने हुए थे, तो ये खोपड़ी के साथ वो पत्थर के कुल्हाड़ी और क्लीवर्स ये सब कुछ आपको वहाँ मिला। जब इसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो देखा गया कि ये 25 से 30 वर्ष के अडल्ट का था, मीन 25-30 ईयर्स वेस्ट का था। और इसको जो नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया, जो साइंटिस्ट नाम दिए थे, नाम दिए नर्मदा मैन, है ना, नर्मदा ह्यूमन।
और बायोलॉजिकली ये लोग थे एडवांस ग्रुप होमो इरेक्टस के, बायोलॉजिकली नर्मदा मैन जो थे ये होमो इरेक्टस के थे, नर्मदा मैन बायोलॉजिकली बिलोंग टू होमो इरेक्टस ग्रुप, और ये भारत में नहीं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, नॉट ओनली इंडिया बट इन द होल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिस वॉज द ओनली क्रेनियम टू बी फाउंड, आदि मानव का यही एकमात्र जो है आपका मानव खोपड़ी जो हम लोग को मिला है, मानव खोपड़ी का अवशेष हम लोग को मिला होगा। अवशेष इसलिए बोलते हैं कि इनका जो नीचे का जबड़ा था, जॉ था, वो गैप था, वो टूटा हुआ था, गैप था, इट वॉज नॉट स्ट्रक्चर्ड। बट नर्मदा मैन आपके जो ह्यूमन फॉसिल ये हम लोग को पहली बार मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं, वेयर डू वी फाइंड द ओनली होमिनिन फॉसिल इन इंडिया, भारत में हमें एकमात्र होमिनिन जीवाश्म कहाँ मिलता है। इनफैक्ट क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला हम लोग को कहाँ मिलता है, एकमात्र है वो है आपका हथनौरा, जो कि होशंगाबाद के नजदीक है, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद का के पास ये हथनौरा गांव है। चलिए ये है आपका नर्मदा ह्यूमन का, नर्मदा ह्यूमन का खोपड़ी स्कल क्रेनियम, जो जिस रूप से आप पुकारना चाहें। अब जो है क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये है आपका एलिफस नेमैटिकस, एलिफस नेमैटिकस। अब देखिए एलिफस नेमैटिकस जो है आपका वही है, वही नर्मदा घाटी में मिला जहां पे हम लोगों को नर्मदा ह्यूमन मिला, यानी जहां मानव खोपड़ी मिला उसी नर्मदा घाटी में हम लोग को एक बहुत ही विशाल हाथी, बिग वाइल्ड एलिफेंट हम लोग को मिला, जिसका नाम रखा गया एलिफस नेमैटिकस, एलिफस नेमैटिकस। ये देखिए ये है आपका एलिफस नेमैटिकस, कितना बड़ा विशाल का है ये आपका, ये हाथी है ना, वेरी मैमोथ एलिफेंट यू कैन से, कितना इनका वाइल्ड टस्क है। तो ये आपका, तो चलिए वेयर वी हैव फाउंड एलिफस नेमैटिकस, नर्मदा वैली, हमें एलिफस नेमैटिकस कहां मिला है, तो नर्मदा घाटी में। एलिफस नेमैटिकस मतलब बहुत ही जायंट टस्क प्री हिस्टोरिक एलिफेंट, मतलब बहुत बड़ा हाथी और जिसका कि जो दांत था बहुत ही बड़ा था, बहुत ही विशाल था, तो ये भी नर्मदा घाटी से मिला और इसका नाम हम लोग एलिफस नेमैटिकस रखे। क्वेश्चन नंबर 26 स्टे गुडोन गणेश, स्टे गुडोन गणेश है ना, स्टे गुडोन गणेश क्या है ये देखिए, ये भी एक जायंट प्री हिस्टोरिक एनिमल है, मतलब कि भारत में जब आदि मानव आए थे पाषाण युग में, बहुत ही विशाल काय जानवर था, विशाल काय हाथी था, प्री हिस्टोरिक मैमोथ एलिफेंट, इसको हम लोग स्टे गोडाउन गणेश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि वेयर वी हैव फाउंड स्टे गोडाउन गणेश, वी हैव फाउंड स्टे स्टे गोडाउन गणेश एट नर्मदा वैली। याद रखिएगा नर्मदा घाटी में आपको नर्मदा मैन हथनौरा में मिले हैं, आपको विशालकाय हाथी मिला है जिसको हम लोग स्टे गोडाउन गणेश कहते हैं। तो 26 हमें स्टे गोडाउन गणेश कहाँ मिला है, नर्मदा घाटी, 26 का है सही क्वेश्चन, सही आंसर ए। चलिए अब चलते हैं 27 बॉस नेमैटिकस, बॉस नेमैटिकस वाइल्ड कैटल, जंगली मवेशी, देख रहे हैं ये जंगली मवेशी, ये भी हम लोग को बॉस नेमैटिकस भी नर्मदा घाटी में मिला है। याद रखिएगा नर्मदा वैली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ प्री हिस्ट्री इन इंडिया, नर्मदा घाटी भारत में प्राग इतिहास काल के लिए बहुत ही जरूरी है। तो 27 का 27 का वेयर वी हैव फाउंड बॉस नेमैटिकस, जो कि एक वाइल्ड कैटल है, ये आपका नर्मदा वैली में, हमें बॉस नेमैटिकस कहां मिला है, तो नर्मदा घाटी में। क्वेश्चन नंबर 28 वेयर वी हैव फाउंड इक्वस नेमैटिकस,
हमें इक्वस नमेटिकस कहाँ मिला है? अब इक्वस नमेटिकस क्या है? देखिए, ये घोड़ा जैसा है, घोड़ा विशाल का है, घोड़ा जायंट हॉर्स लाइक एनिमल, विशाल का है घोड़े की तरह ये जानवर, जिसका नाम दिया गया इक्वस नमेटिकस। तो वेयर वी हैव फाउंड इक्वस नमेटिकस, वी हैव फाउंड इक्वस नमेटिकस इन नर्मदा वैली। हमें इक्वस नमेटिकस कहां मिला है? नर्मदा घाटी में। 28 का सही ऑप्शन है ए, 28 का सही ऑप्शन है ए। 29, अब देखिए ये क्वेश्चन कीजिएगा तो भारत के लेवल पे जो प्रागैतिहासिक काल का, प्री हिस्टोरिक का जो साइट्स है, स्थल है, वो आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में ये है कि पुरापाषाण कालीन स्थल, बहुत एक्यूरेट नोट्स में लिखिए, प्रारंभिक भारत में पुरापाषाण कालीन स्थल, अर्ली या लोअर पैलोलिथिक साइट्स इन इंडिया, उस पे है ये क्वेश्चन। तो बेलन घाटी जो है ये आपका लोअर पैलोलिथिक साइट भी है, प्रारंभिक आपका पुरापाषाण कालीन स्थल भी है। तो बेलन घाटी कहां पे है? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों। बेलन घाटी इज इन बोथ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। भीमबेटक कहां है? मध्य प्रदेश। बागोर कहां है? राजस्थान। और पटने कहां है? महाराष्ट्र। तो सही ऑप्शन है 29 का ए, सही ऑप्शन है 29 का ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये भी आपका प्रारंभिक या आरंभिक पुरापाषाण स्थल है। दिस इज ऑल्सो योर लोअर पैलोलिथिक साइट इन इंडिया एंड यू हैव टू मैच द साइट विद द स्टेट। तो चलिए भाई, जोगदहा कहां है? जोगदहा आपका है झारखंड में। बुधा पुष्कर कहां है? तो ये है आपका राजस्थान में। बुधा पुष्कर बोलिए या बुध पुष्कर बोलिए, राजस्थान में है। रेणुगंटा कहां है? आंध्र प्रदेश में। रेणुगुंटा भी कह सकते हैं, रेणुगुंटा या रेणुगंटा। तो रेणुगुंटा इज इन योर आंध्र प्रदेश। कर्नूल कहां है भाई? कर्नूल है आपका आंध्र प्रदेश में। सिंहभूम कहां है? आपके राजस्थान में। तो सही ऑप्शन है आपका 30 का ए, सही ऑप्शन है 30 का ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। ये मिडिल पैलोलिथिक साइट्स है, यानी मध्य पाषाण युग स्थल है, और हम लोग को स्थल को कौन कौन से राज्य में है वो मिलाना है। निवासा बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो निवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। भीमबेटक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश में है। बागोर कहाँ है? बागोर आपका राजस्थान है। और करमाली घाटी भी आपका राजस्थान में है। 31 का सही ऑप्शन है ए, 31 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी आपका मध्य पुरापाषाण स्थल है, मिडिल पैलोलिथिक साइट है, इसको भी हम लोग को मिलाना है। डिडवाना कहाँ है? डिडवाना राजस्थान में है। सिंहभूम कहाँ है? झारखंड में है। और नर्मदा घाटी कहाँ है? याद रखिएगा, नर्मदा वैली इज इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात तीनों जगह है। तो 32 का सही ऑप्शन है ए, 32 का सही ऑप्शन है ए, 32 का सही ऑप्शन है ए। 33, वेयर इज नंदी पल्ले जो है ये प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल है, इट इज अ लोअर पैलोलिथिक साइट। क्वेश्चन इज वेयर इज नंदी पल्ले जो है ये है आपका महाराष्ट्र में। भारत में नंदी पल्ले पुरापाषाण स्थल कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। चलिए 34,
विच ऑफ द फॉलोइंग मिडिल पैलोलिथिक साइट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एंड गुजरात, निम्न में से कौन सा मध्य पाषाण यानी मध्य पूरा पाषाण स्थल आपके मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है और गुजरात में भी है, इंपॉर्टेंट। तो कौन सा पूरा पाषाण स्थल आपका मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, तो वो है आपका नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी, 34 यानी क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग अपर पैलोलिथिक साइट इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान, निम्न में से कौन सा उच्च पूरा पाषाण स्थल पाकिस्तान में स्थित है, यानी उच्च अपर लोअर पैलोलिथिक साइट, उन्नत या उच्च पूरा पाषाण स्थल पाकिस्तान में कौन सा है, ये सब आपके ऑप्शन में। तो वो है आपका सोहन वैली, सोहन घाटी। सोहन घाटी के बारे में आगे हम लोग दूसरे टेस्ट में और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से पहले, याद रखिएगा। तो चलिए इसके साथ हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ये कहता है कि पैलोलिथिक एज जो है तीन भाग में है, लोअर, मिडिल एंड अपर। पूरा पाषाण काल जो है तीन भाग में है, आरंभिक, मध्य और उन्नतम या उच्च पूरा पाषाण काल। तो आंध्र प्रदेश में उन्नत या उच्च पूरा पाषाण स्थल कौन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अपर पैलोलिथिक साइट इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश? तो सही आंसर है कुरनूल केव, यस। गिचलूर, यस। नेलूर, यस। तो 36 का सही ऑप्शन है आपका डी, 36। निम्न में से कौन सा उन्नत या उच्च पूरा पाषाण स्थल आंध्र प्रदेश में स्थित है? कुरनूल की गुफाएं, गिचलूर और नेलूर। 36 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा स्थल है अपर पैलोलिथिक साइट, कौन सा अपर पैलोलिथिक साइट है, विच अपर पैलोलिथिक साइट इज फाउंड इन बोथ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश? कौन सा उन्नत या उच्च पूरा पाषाण स्थल है जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों जगह में पाया जाता है? तो सही आंसर है आपका बेलन वैली। निम्न में से कौन सा उन्नत या उच्च पूरा पाषाण स्थल है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है? सही आंसर है बेलन घाटी। 38, अब जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है 38 में, ये सब जो है उन्नत या उच्च पूरा पाषाण स्थल हैं, दे आर अपर पैलोलिथिक साइट्स। अब हम लोग को कौन से राज्य में है, कौन से स्टेट में है, वो हम लोग को मिलाना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, साबरमती वैली, साबरमती घाटी, ये आपका गुजरात में है। सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है, मयूरभंज उड़ीसा में है और हुंसी वैली या घाटी कर्नाटक में है। सही ऑप्शन है ए, सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 39, ये भी आपके अपर पैलोलिथिक साइट्स हैं, उन्नत या उच्च पूरा पाषाण काल स्थल है, और ये स्थल कौन से राज्य में है वो हम लोग को देखना है। तो अतिरम्बकम जो है ये आपका तमिलनाडु में है, पहलगांव कश्मीर में है, डिडवाना राजस्थान में है और पुर्तयाल घाटी या वैली आपका तमिलनाडु में है। 39 का भी सही ऑप्शन है ए। 40, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अपर पैलोलिथिक साइट्स इन मध्य प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में उन्नत पूरा पाषाण स्थल है? तो हथनौरा भी है, भीमबेटक भी है और आदमगढ़ भी है। याद रखिएगा हथनौरा, भीमबेटक और आदमगढ़ सारा मध्य प्रदेश में, एंड दे आर ऑल अपर पैलोलिथिक साइट्स। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में उन्नत पूरा पाषाण स्थल है? तो हथनौरा है, भीमबेटक है और आदमगढ़ है। 40 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प।
41. Which of the following site is present in lower and upper Paleolithic age but absent in middle Paleolithic age? देखिए, आपका जो Paleolithic age है, तीन पार्ट में है, लोअर, मिडिल एंड अपर. पूरा पाषाण युग तीन भाग में है, प्रारंभिक, मध्य और उन्नत. ठीक है, लेकिन ये जो स्थल दिए हुए हैं, जो ऑप्शन में आपका स्थल है, क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्थल मध्य पूरा पाषाण युग में नहीं है, मिडिल पैलोलिथिक एज में नहीं है, लेकिन आपको प्रारंभिक में मिलेगा और उन्नत में मिलेगा, आपको लोअर में मिलेगा और अपर पैलोलिथिक स्टेज में मिलेगा, तो वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 41. विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज प्रेजेंट इन लोअर एंड अपर पैलोलिथिक एज बट एबसेंट इन मिडिल पैलोलिथिक एज? द आंसर इज बेलन वैली. बेलन वैली इज, you won't get evidence of middle paleolithic site, but you will get evidence of lower paleolithic site as well as upper paleolithic site, but no middle paleolithic site. निम्न में से कौन सा स्थल पूरा पाषाण युग और कौन सा स्थल प्रारंभिक पूरा पाषाण युग और उन्नत पूरा पाषाण युग में मौजूद है, लेकिन मध्य पूरा पाषाण युग में अनुपस्थित है? तो सही आंसर है आपका बेलन घाटी. 41 का सही ऑप्शन है ए. 42. Who introduced the term Paleolithic and Neolithic? पूरा पाषाण और नव पाषाण शब्द, ये शब्द गढ़ा कौन, किसने ये शब्द दिया है? शब्द देने वाले का नाम है जॉन लुबॉक. जॉन लुबॉक जो शब्द दिए हैं उनका नाम है जॉन लुबॉक. जॉन लुबॉक ने ही पूरा पाषाण और नव पाषाण शब्द का परिचय दिया है, इस शब्द को गढ़ा है, और किताब का नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम्स. 1865 में प्री हिस्टोरिक टाइम्स एक कृत था, काम था, किताब था, जिसमें जॉन लुबॉक पैलोलिथिक और नियोलिथिक शब्द इस्तेमाल किए. एपी पैलोलिथिक मतलब उन लोग का बीच में, इनके बीच में कंट्रोवर्सी हो गया कि भाई कोई मिडिल पैलोलिथिक और ऐसा कुछ मेसोलिथिक कोई एज है नहीं, मतलब पैलोलिथिक के बाद मेसोलिथिक, मेसोलिथिक के बाद नियोलिथिक, तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया कि मध्य पाषाण युग नाम का कुछ ऐसा कुछ अस्तित्व में है नहीं. तो इस विवाद को ख़त्म करने के लिए नुट स्टेरजन एक शब्द लेके आए जिसका नाम था एपी पैलोलिथिक. क्वेश्चन नंबर 43 वही है, हु कॉइंड द टर्म एपी पैलोलिथिक? तो सही आंसर है नुट स्टेरजन. एपी पैलोलिथिक शब्द किसने गढ़ा? तो नुट स्टेरजन. क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट डज मेजो इन मेसोलिथिक मींस? मेजोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग में मेजो का क्या अर्थ है? मेजो का अर्थ है मिडिल, मध्य. 44 का सही ऑप्शन है आपका ए. 45. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब हम लोग पैलोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में एक स्टेज आता है जिसको हम लोग मेजोलिथिक कहते हैं. पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच में एक क्रम आता है पाषाण युग का, जिसको कि हम लोग मध्य पाषाण युग कहते हैं. उसी के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45. निम्न में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द बिगिनिंग ऑफ मेजोलिथिक एज इन इंडिया इज डेटेड अराउंड 10,000 BC. भारत में मध्य पाषाण युग की शुरुआत लगभग 10,000 ईसा पूर्व की है. ये आपका सही है. सही इसलिए है कि पूरा पाषाण युग भारत में 500,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक था, और जैसे ही पूरा पाषाण युग खत्म होता है मध्य पाषाण युग या मेजोलिथिक एज शुरू होता है. मेजोलिथिक विटनेस द राइज इन टेम्परेचर. मध्य पाषाण काल में तापमान में वृद्धि देखी गई है, यह भी सही है. पाषाण युग में जो लोग एक जगह से दूसरी जगह खाने के लिए, खदान के लिए एक जगह से एक दूसरी जगह जाते थे, जानवरों का शिकार करते थे, तो उनकी अर्थव्यवस्था को शिकारी और आर्किटेक्ट बोला जाता था. पूरा पाषाण युग में भी ये शिकारी और आर्किटेक्ट थे, मध्य पाषाण युग में भी ये लोग शिकारी और आर्किटेक्ट थे. तीसरा ऑप्शन है द मैन वॉज इन हंटिंग गैदरिंग स्टेज. मानव अभी भी शिकारी और आर्किटेक्ट थे. देखिए, जब इनका घर बनाना, कृषि करना, ये नव पाषाण युग में चालू होता है, तो मध्य पाषाण युग में जो है ये लोग
अभी भी शिकारी और आर्किटेक्ट थे। फोर, मैन स्टार्टेड फिशिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। लेकिन नया चीज़ क्या हम लोग को देखने को मिलता है, मेजोलिथिक में या मध्य पाषाण युग में मछली पकड़ना, फिशिंग चालू हो गया था, जानवरों को पालतू बनाया जाने लगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑल्सो स्टार्टेड। तो मैन स्टार्टेड फिशिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। 45 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। 45 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मेजोलिथिक कल्चर इन इंडिया। देखिए, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ का मतलब, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, समय उन्नत हुआ और सूक्ष्म ये लोग औजार बना लग गए, तो उसको हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं। द साइज ऑफ माइक्रोलिथ्स वैरीड इन साइज फ्रॉम 1 to 8 सेंटीमीटर। इनका जो साइज था 1 से 8 सेंटीमीटर के बीच में था। एंड सम ऑफ द टूल्स हैड ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। ये भी आपका सही है। 46 का सही ऑप्शन है डी। निम्नलिखित में से कौन भारत में मध्य पाषाण संस्कृति के लिए सही है, माइक्रोलिथ का उपयोग। माइक्रोलिथ का आकार 1 से 8 सेंटीमीटर होता था। माइक्रोलिथ मतलब बहुत सूक्ष्म, कुछ उपकरणों में ज्यामितीय रूप थे, तो सभी विकल्प। 46 का है डी, ऑल द ऑप्शन, सभी। क्वेश्चन नंबर 47, मेजोलिथिक यानी मध्य पाषाण स्थल है, और कौन सा स्थल किस राज्य में है, उसी को हम लोग को मिलान करना है, उसी को हम लोग को मैच करना है। तो मेजो लंगनाच, लंगनाच कहाँ है, यह है आपका गुजरात में। भीमबेटक हम लोग बहुत बार पढ़ चुके, मध्य प्रदेश में। चुपानी मांडो, चुपानी मांडो है आपका उत्तर प्रदेश में। और बिरभानपुर कहाँ है, बिरभानपुर आपका पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। तो 47 का सही ऑप्शन है ए, 47 का सही ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजोलिथिक साइट इज इन कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाण स्थल कर्नाटक स्थित है, तो वो है आपका संगनाकल्लू, संगनाकल्लू। और ट्यूटूकॉन जो है आपका तमिलनाडु में है, ट्यूटूकॉन इज इन तमिलनाडु, संगनाकल्लू इज इन कर्नाटक। बोथ संगनाकल्लू एंड ट्यूटूकॉरिन दे आर मेजोलिथिक साइट। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाण स्थल कर्नाटक में स्थित है, संगनाकल्लू। और तूतीकोरिन कहाँ है बच्चों, तमिलनाडु में। तो 48 का सही ऑप्शन है बी और सी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इन मेजोलिथिक कल्चर इन इंडिया। अब देखिए, हम लोग बोलते हैं कि पूरा पाषाण युग के बाद मध्य पाषाण युग आया, पैलोलिथिक एज के बाद आपका मेजोलिथिक एज आया, तो मध्य पाषाण युग में क्या था पहले। तो सबसे पहला चीज याद रखिएगा कि मध्य पाषाण युग में धनुष का और तीर का आविष्कार हो चुका था। ऐसे क्या हुआ कि ये वो लोग छोटे छोटे जानवरों का भी शिकार करने लगे, मछली पकड़ना चालू हो गया और पंछियों का भी शिकार चालू हो गया, क्योंकि उनके पास बो एंड एरो, उनके पास तीर धनुष आ चुका था। क्वेश्चन नंबर 49 वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इन मेजोलिथिक कल्चर इन इंडिया, हंटिंग ऑफ स्मॉलर एनिमल्स विद बोज एंड एरोज एंड शीप फिशिंग एंड फाउलिंग। 49 का सही ऑप्शन है बी और सी। निम्नलिखित में से कौन भारत में मध्य पाषाण संस्कृति में सबसे पहले था, छोटे जानवरों का शिकार, क्योंकि तीर धनुष इनको मालूम चल चुका था, आविष्कार हो चुका था, उसका इस्तेमाल करते थे, और मछली पकड़ना और पंछियों का शिकार, क्योंकि ये तो अलग था, पूरा पाषाण युग में नहीं देखा गया, इसीलिए ये भी एक कारण था कि मध्य पाषाण युग को थोड़ा सा उन्नत पाषाण युग, एडवांस्ड जो स्टोन एज माना गया, और इसका नया नाम दे दिया गया आपका मेजोलिथिक या मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग एक संक्रमण युग भी है, ट्रांजिशन एज भी है, जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि पहले जो मानव जाति थे, आदि मानव, एक जगह से दूसरी जगह शिकार करते थे, खाद्य पदार्थ इकट्ठा करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग इकोनॉमी था। ये कंटिन्यू कर जाता है आपके मेजोलिथिक पीरियड में भी, लेकिन नियोलिथिक पीरियड में सबसे बड़ा जो क्रांति होता है
इसीलिए नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहते हैं, नवपाषाण क्रांति कहते हैं, क्योंकि कृषि का आविष्कार होता है। तो चलिए 49 का सही ऑप्शन है बी और सी। 50, व्हाट इज द स्टार्टिंग डेट फॉर नियोलिथिक एज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट? भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग या नवपाषाण क्रांति की आरंभिक तिथि क्या है? वो है आपका 8000 ईसा पूर्व, 8000 BC या 8000 ईसा पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 50 का सही ऑप्शन ये है। चलिए इसके साथ ही ये 50 हो गया। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन दूसरे वीडियो में देखेंगे। नोट्स बनाते रहिए, ढंग से डिस्कशन और पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक